लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। महारथी 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 कर्ण। ये तो सम्राट आपका और पितामह का आशीर्वाद है दीदी कि आज मेरे पांडव अपने कौरव भ्राताओं के साथ राजकाज और युद्ध कला में निपुण होकर गुरुवंश की रक्षा करेंगे। इससे शुभ और क्या हो सकता है दीदी। परंतु बहन, कभी कभी मैं कौरव भ्राताओं के विषय में सोचकर व्यग्र हो उठती हूँ। मेरे दुर्योधन और दुशासन तो अभी से इतने उद्दंड हो गए हैं कि उनके पितामह भी क्षुब्ध हो जाते हैं। दीदी, अभी तो वे बालक हैं, बड़े होकर सब समझने लग जाएंगे। पांडव भी तो बालक ही है ना बहन, वे तो ऐसा नहीं करते। दीदी, सब बालकों की प्रवृत्ति एक जैसी नहीं होती। समय आने पर कौरव भ्राताओं में भी आदर्श और यथार्थ का बोध हो जाएगा। यथार्थ और आदर्श कब बोध होगा उन्हें? भय लगता है उनका भविष्य सोचकर। गहन अंधकार में घिर जाती हूं मैं, गहन अंधकार। महारानी की जय हो। क्या संदेश लाई हो सुगंधा? महारानी जी, आप दोनों को पितामह ने याद किया है। पितामह ने याद किया है? चलो कुंती। प्रणाम पितामह। प्रणाम स्वीकार कीजिए पितामह। हमसे कोई भूल हुई पितामह? आपकी ओर से हमारे मन में कई प्रकार की आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। आदेश दीजिए पितामह, हम प्रस्तुत हैं। देवियों, हमने तुम्हें यहां कोई आदेश देने के लिए नहीं बुलाया। तुम दोनों के मन में जो भी आशंकाएं उठ रही हैं, वो सब व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं। हमारे मन में कुछ विचार उठ रहे थे, उन्हें व्यक्त कर देना हमने उचित समझा। किस प्रकार के विचार पितामह? जो सत्य है वो तुम देख नहीं सकती, क्योंकि तुम उसे देखना नहीं चाहती। परंतु सत्य तो सत्य है। तुम्हारे ना देखने से सत्य असत्य तो नहीं हो सकता। क्षमा, क्षमा पितामह, क्षमा कीजिए। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूं। उठो गांधारी, उठो। ये मत भूलो कि तुम साम्राज्ञी हो। तुम्हारी पीड़ा का मूल कारण यह है कि तुमने कभी इसे समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। क्या मुझसे कोई अपराध हुआ पितामह? अपराध नहीं गांधारी, पुत्र मोह। पुत्र मोह ने तुम्हें और धृतराष्ट्र दोनों को विवश कर दिया है। अवश्य ही दुर्योधन और दुशासन के व्यवहार से आपके गौरव को ठेस पहुंची है पितामह। मैं स्वयं उसके लिए बहुत ही दुखी हूं। हाँ पितामह, दीदी उन्हीं के विषय में हमसे चर्चा कर रही थी। मिथ्या, मिथ्या है ये। मात्र चर्चा करने से उनके व्यवहार नहीं बदल सकते। उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाना होगा, जो केवल माताएं ही कर सकती हैं। अन्यथा कुरुवंश का भविष्य संकट में पड़ सकता है। जिस कुरुकुल की रक्षा के लिए मैंने अपनी संपूर्ण मनोकामनाओं की तिलांजलि दे दी, उसका भविष्य अंधकार में डूब जाएगा। उन्हें क्षमा कर दीजिए पितामह, क्षमा कर दीजिए।
उन बालकों से निश्चित ही कोई उदंडता हुई है, परंतु मेरी ममता आपके समक्ष क्षमादान की याचक है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूं, ममता, तुम्हारी ममता। बालकों की उदंडता तो क्षमा के योग्य है, परंतु तुम्हारी ममता संपूर्ण आर्यावर्त के लिए शाप बन जाएगी। कभी सोचा है तुमने? मुझे जो दंड देना है दे दीजिए, उसे मैं आपका आशीर्वाद समझकर सहर्ष ग्रहण कर लूंगी, परंतु मेरे पुत्रों के सिर से अपने आशीर्वाद का हाथ मत हटाइए पितामह। हमारे आशीर्वाद देने न देने से कोई अंतर नहीं पड़ता गांधारी। जिस हस्तिनापुर की रक्षा के लिए हमने अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, उसका भविष्य संकट में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जिसकी रक्षा अब हमारे हाथों में भी नहीं, अब तो पांडु विशेष नहीं रहा। धृतराष्ट्र कुछ कर ही नहीं सकता। अब तो तुम और कुंती ही शेष हो। इस झंझावात को रोक सको तो रोक लो। पितामह, आपके आशीर्वाद और पुण्य प्रताप से सदैव इस आर्य व्रत की रक्षा होती रही है। मेरे पुत्रों की रक्षा के लिए भी आपके वरद हस्त की आवश्यकता है, अन्यथा आपकी व्यथा उनके लिए शाप बन जाएगी। आप मेरे पुत्रों को जो दंड देना चाहते हैं दीजिए पितामह, पर वचन दीजिए कि सदैव आप उन्हें अपनी छत्र छाया में ही रखेंगे और आर्य व्रत की भांति ही आप सदैव उनकी रक्षा करते रहेंगे। वचन दीजिए पितामह। आर्यावर्त की रक्षा का वचन तो मैं इससे पूर्व ही दे चुका हूं गांधारी। क्या तुम्हारे पुत्र आर्यावर्त से बाहर हैं? परंतु पितामह, मैं आपके मुख से उनकी रक्षा का वचन चाहती हूं, क्योंकि मेरा आर्यव्रत तो मेरे पुत्र हैं। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हारे आर्यव्रत की रक्षा का वचन देता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्ष। प्रणाम वेदव्यास जी। कहिए देवर्ष, कैलाश पर कैसे आना हुआ? व्यास जी, गंगा पुत्र भीष्म ने गांधारी को जो वचन दिया है, क्या वे उस वचन को पूर्ण कर पाएंगे? आप गंगा पुत्र भीष्म के किस वचन की बात कर रहे हैं देवर्षि? आर्यवर्त की रक्षा का वचन। देवर्षि, गंगा पुत्र भीष्म अपने वचन का पालन करना भली भांति जानते हैं। क्या इसके पूर्व उन्होंने अपने वचनों का पालन नहीं किया है देवर्षि? फिर उनके इस वचन पर आपकी साधार पर संदेह प्रकट कर रहे हैं। नारायण नारायण। ना ना ना, भीष्म के वचन पर संदेह नहीं है व्यास जी, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आज का आर्यवर्त उनके प्रतिकूल है। गांधारी को वचन देकर उन्होंने अपने आप को बंधन में बांध लिया है। पांडु पुत्रों और कौरवों के बीच का संघर्ष उनके इस वचन को पूर्ण करने में निश्चय ही विघ्न डालेगा। और क्या देवर्षि? इस संघर्ष को दूसरी दिशा देने एक महायोद्धा आ गया है। महायोद्धा?
आप किसकी बात कर रहे हैं देवर्षि? अधीरथ पुत्र कर्ण, उसके आने से आर्यवर्त की समस्त गति परिवर्तित हो जाएगी, हस्तिनापुर की राजनीति और तीव्र हो जाएगी। नारायण नारायण। इस आर्यवर्त का क्या होगा ईश्वर? क्या अधीरथ पुत्र कर्ण के उत्थान से सचमुच हस्तिनापुर की गति परिवर्तित हो जाएगी? क्या आचार्य द्रोण का आश्रम इस आर्यवर्त के इतिहास को सचमुच कोई नया अध्याय देने जा रहा है? हे ईश्वर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या कर रहे हो शिष्य दुर्योधन और भीम? ये आश्रम है, युद्ध क्षेत्र नहीं। और तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो, शत्रु नहीं। मुझे ज्ञात है आचार्य कि भीम मेरा भाई है, किंतु मैं आश्रम युद्ध क्षेत्र कहीं भी भीम को विजय होता नहीं देख सकता। दुर्योधन, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते हो। जब जी चाहे प्रतियोगिता करके देख लेना। अनुज भीम, अनुज दुर्योधन, शांत हो जाओ। गुरुदेव हमारे समक्ष है, इनका आदर व सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। पुत्र अर्जुन, अब तुम अपना धनुर्कौशल दिखाओगे। जो आज्ञा गुरुदेव। आइए। पुत्र अर्जुन, तो शासन द्वारा चलाए गए बाण को तुम्हें काटना है। अब एक साथ पांच बाण चलाए जाएंगे और तुम्हें एक ही बाण से पांचों बाणों को काटना है। नौ बाण चलाए जाए।
दृष्टि से जिसको सबने निहारा, कोमल कोमल फूलों सा मन तन अंगारा, दोनों पक्ष का पौरुष जिसको देख के हारा, छोड़ एक ही बाण धनु विद्या का दिया प्रमाण, छोड़ एक ही बाण धनु विद्या का दिया प्रमाण। आओ पुत्र, सुंदर, अति सुंदर युवक, मैं तुम्हारे अद्भुत बाण कौशल से अत्यंत प्रसन्न हूं। कौन हो तुम?